नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विथ एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार द्वारा बनाए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 23 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने जो सुझाव दिया है, विवाद के समाधान का उससे अच्छा कोई रास्ता फिलहाल किसी के पास नहीं है। इसमें विशेषज्ञों की उपस्थिति में दोनों पक्षों में वार्ता और परिणाम आने तक तीनों कानूनों का क्रियान्वयन स्थगित रखना शामिल है। यह सुझाव सरकार और आंदोलनकारी मान लेते हैं तो आज की तारीख में दोनों की इज्जत बचती है, सरकार की इसलिए कि पिछले दिनों में उसने साम दाम दंड और भेद के सारे रास्ते अपना लिए, लेकिन समाधान निकलना तो दूर। वह आंदोलनकारियों को न तो कृषि कानूनों की वापसी की मांग से पीछे हटा पाई और न ही उनमें कोई तोड़फोड़ कर पाई। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दिल्ली को चारों ओर से घेरे बैठे किसानों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या और संत राम सिंह के देह त्याग सहित करीब 20 किसानों की सर्दी एवं अन्य कारणों से मौत के माहौल में भी धरना स्थल पर किसानों की संख्या के लगातार बढ़ने से उसे शांतिपूर्ण रखना आंदोलनकारियों के सामने भी चुनौती है। आम आदमी की परेशानियों को आधार बना दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने दोनों पक्षों में वार्ता जरूरी बताते हुए सरकार को अपना तरीका बदलने की भी सलाह दी। कोर्ट ने पी चिदंबरम और हरीश सालवे जैसे दिग्गज वकीलों के साथ अटॉर्नी जनरल
के वेणुगोपाल और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पूरा सुना और अगले सप्ताह की नई तारीख दी। अब यह दोनों पक्षों पर है कि वे देश को एक बड़े संकट से उबारने में संयम समझदारी का परिचय दें। भूल जाएं कि अब तक किसने किस पर क्या आरोप लगाए हैं, सरकार हो या किसान, अथवा पक्ष विपक्ष से जुड़े राजनीतिक दल, सब हैं तो देश के ही। यदि सरकार को कोई देश विरोधी कार्रवाई करता नजर आता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश पहले ही कोरोना के खतरनाक दौर से गुजर रहा है। बदहाल अर्थव्यवस्था में छंटनी और बेरोजगारी कोड में खाज का काम कर रही है। ये हालात आगे कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता। ऐसे में खेती किसानी ही है जो अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। किसी भी एक अथवा दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये ने यदि इसे भी जमीन पर ला पटका तो आने वाले कुछ वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का देश का सपना तो चकनाचूर होगा ही। मुल्क में जो अराजकता होगी उसे काबू में करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। समाप्त।